मुंबई का प्रसिद्ध खाओ गली, वड़ा पाव से लेकर चाय समोसा तक मुंबईकरों को यहाँ हर एक व्यंजन मिलता है। लेकिन इन दुकानों पर रखे गए डब्बों में पीने का पानी कितना साफ है? पानी के ये डब्बे कूड़ेदान के बगल में रखे गए हैं, क्या ये खतरनाक नहीं है? नाश्ता मैं कर रहा हूँ, पानी खुद का ले रहा हूँ खरीद के। क्या बाहर का पानी नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? देख रहे हाइजीनिक है? हाइजीन नहीं है, हम खुद बाहर का ही ले रहे पानी। यानी आप लोग भी बॉटल्ड वाटर ही ले रहे? बिल्कुल। खाओ गली के विक्रेताओं का कहना है कि इन डब्बों का पानी बस हाथ धोने के लिए है, पीने के लिए नहीं। लेकिन डब्बों के आसपास इतना पानी है कि इसमें बीमारी वाले मच्छर हो सकते हैं। नल का पानी लेकिन खाली हाथ धोने के लिए, वो पीने के लिए अलग है। हम लोग कस्टमर लोग बोलते हैं बिसलेरी खरीद के पियो, पानी पीने अलाउड नहीं है। अच्छा, यानी ये जो कंटेनर रखा है इसमें से आता है वड़ा पाव खा के हाथ धोने के लिए, खाली पीने के लिए? पीने के लिए नहीं, कस्टमर पीने के लिए। आप लोग बॉटल वाटर रखते हैं? बॉटल मिलता है ना बाजू में, बिसलेरी लो और पियो, बाकी पानी पीना अलाउड नहीं। पानी पीना बंद ही रख दिया हम लोग, पानी नहीं रखते। कारण क्या है? क्योंकि जो इतनी बीमारियां पसर क्या ऊपर का पानी आ रहा, मच्छर वच्छर ज्यादा होते, इसके लिए पानी वानी नहीं रखते। पहले से मना बोलते थे पानी अवेलेबल नहीं है, खाना हो तो खाओ, वड़ा पाव है पानी नहीं मिलेगा। वही डॉक्टरों का कहना है कि बरसात के चलते बाहर का खाने से स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए अब लोगों को सावधानी बरतनी होगी। हर बार ये सीजन में होता है, जुलाई अगस्त के महीने के अंदर, इनफैक्ट समटाइम जून के अंदर भी सीजनल बीमारियां जिसे कह सकते हैं, वायरल डिजीज जिसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं। इस बार भी बढ़े हैं, इस बार यस थोड़े से स्वाइन फ्लू के, H1N1 के, इन्फ्लुएंजा के वो केसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़े हैं। हर बार जैसे हम देखते हैं कि डेंगू के केसेस ज़्यादा होते हैं, मलेरिया के ज़्यादा होते हैं, बट इस बार H1N1, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इस टाइप के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं। बट यस, कोई तरह की कैजुअलिटी नहीं है, काफ़ी पेशेंट हम लोग OPD बेसिस पे ट्रीट कर रहे हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में प्रतिदिन प्राइवेट अस्पताल में 20 से 25 स्वाइन फ्लू के मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों सरकारी अस्पताल में H1N1 के 600 केस, मलेरिया के 228 केस, डेंगू के 165, लेप्टोस्पायरोसिस के 52, गैस्ट्रो के 694, हेपेटाइटिस ए और ई एवं चिकुनगुनिया के 75 केस आ चुके हैं। सवाल है कि स्वाइन फ्लू को कैसे पहचाना जा सकता है? स्वाइन फ्लू के लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी और शरीर में दर्द शामिल है। बच्चों को सांस की तकलीफ, निर्जलीकरण और चिड़चिड़ापन का अनुभव हो सकता है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को स्वाइन फ्लू के गंभीर संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। वायरल फीवर का सीजन चल रहा है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे आपका कोविड हो, सब में सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। गला खराब होता है, खांसी होती है, बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, शिवरिंग होने लगती है, लगभग एक जैसे सिम्टम होते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, डे 1 डे 2 पे जब सिम्टम आते हैं इमिडिएटली आप अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत ट्रीटमेंट चालू करो। अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हम 4 दिन 5 दिन 6 दिन देखेंगे, ऐसे में कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, ऐसे में कोई तरह के प्रॉब्लम, एडवर्स इफेक्ट जिसे कह सकते हैं कि वो डिजीज की वजह से होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सो टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं, पेशेंट डेफिनेटली ठीक होता है। मुंबई में ना सिर्फ एक बल्कि हर एक इलाके में आपको खाओ गली नजर आएगा, लेकिन हमने इसी के साथ आपको एक रियलिटी चेक देते हुए बताया कि यहाँ पर जो पानी रखा गया है, जिससे अक्सर लोग, हालांकि जो दुकान के ओनर्स हैं उनका कहना है कि वो पीने का पानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो भी कुछ खा रहे हैं उसका सेवन करने के बाद पानी यहीं से पी रहे हैं। और ऐसे में इसके ठीक बगल में इस प्रकार के डस्टबिन को रखना कहीं ना कहीं हेल्थ स्टैंडर्ड्स को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब जब मुंबई में बारिश ने एकाएक दस्तक दी है और ऐसे में इस मौसम में खासतौर पर जो तमाम बीमारियां फैलती है कंटेमिनेटेड खाने और पानी के चलते, उसको लेकर नगर निगम द्वारा क्या कुछ कोशिश की जा रही है इसे कंक्लूड करने को लेकर, और इसी के साथ आने वाले समय में स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू जैसे केसेस कम हो इसको लेकर भी, हालांकि अब अभियान नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।